गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपको हम पढ़ाएंगे संस्कृत में चैप्टर 16 मूर्ख सेवक। ठीक है, पेज नंबर 71 पे है। चैप्टर 16 पेज नंबर 71 मूर्ख सेवक मतलब मूर्ख सेवक। ध्यान से देखिए बुक में, एकस्मिन नगरे एकः नृपः आसीत्। एक नगर में एक राजा रहता था, सह पशु प्रिय आसीत, उसको पशुओं से बहुत प्रेम था। तस्य भवने बहवः पशवः आसन, उसके भवन में बहुत से पशु थे। ते नृपस्य सेवां अकुर्वन, वे सभी जो है राजा की सेवा करते थे। तेषु पशवः एकः वानरः आसीत, उन पशुओं में एक बंदर भी था। वानर मतलब बंदर। सानृपस्य अति प्रिय अभवत, सानृपस्य अति प्रिय अभवत, राजा उससे बहुत प्रेम करता था। यत्र नृपः अगच्छत् वानरः अपि तम् अनुसरत्, जहां भी राजा जाते थे बंदर उनके पीछे जाता था। ठीक है, अनुसरण मतलब अनुसरण करना। एकदा नृपः राजमहलस्य स्वकक्षे सुप्तस्य आसीत्, एक दिन राजा अपने राजमहल में अपने कक्ष में सो रहे थे। तदा स वानरं व्यजनेन तम अविजत, तभी वह बंदर जो है उनको पंखा करने के लिए वहां पे तभी वह बंदर उनको पंखा कर रहा था। तस्मिन काले एका मक्षिका नृपस्य नासिकया उपरि उपाविशत, उसी समय एक मक्खी जो है राजा साहब के नाक के ऊपर आकर के बैठ गई। क्लियर है? Yes, नासिका मतलब नाक। क्लियर है? और उपाविशत मतलब बैठी। और मैंने आपको बताया था व्यजने मतलब पंखे से। क्लियर है? तस्मिन काले एका मक्षिका नृपस्य नासिकया उपरि उपाविशत, उसी समय एक मक्खी जो है राजा साहब के नाक के ऊपर आकर के बैठ गई। यदा वानरः तम अपश्यत, तभी उस बंदर ने उस मक्खी को देखा। सः ताम मक्षिका व्यजने न्यावरत, उसने पंखा करके पंखे के हवा से उस मक्खी को उड़ाना चाहा। मक्षिका पुनः तत्र आगत्य नृपस्य नासिकया उपरि अतिष्ठत, वो मक्खी बार बार आकर के राजा साहब के नाक के ऊपर आकर के बैठ जाती। वानरः बारंबार ताम मक्षिका व्यजने न्यावरत, तथापि सा मक्षिका पुनः पुनः आगतत्य नृपस्य नासिकया अतिष्ठत, बंदर बार बार उस मक्खी को पंखे से उड़ाता या दूर भगाता, लेकिन वह मक्खी बार बार राजा साहब के नाक के ऊपर आकर के बैठ जाती। इदं दृष्ट्वा स वानरः कुपितः अभवत्, इस दृश्य को देख करके वह बंदर बहुत क्रोधित हो गया। सः ताम मक्षिका हन्तुं मक्षिका को मारने के लिए उसने खड्गेन तलवार से, मक्खी को मारने के लिए उसने तलवार से प्रहार किया। किंतु खड्ग प्रहारे नृपस्य नासिका छिन्ना अभवत, लेकिन तलवार के प्रहार से राजा साहब की नाक कट गई। अतः मूर्ख सेवका दुर्ता एवं त्याज्या, इसीलिए मूर्ख सेवक से दूर रहना चाहिए और उनका त्याग कर देना चाहिए। चैप्टर आपको एकदम समझ में आ गया होगा जो है। Yes, मूर्ख सेवक। ठीक है।